प्रधान जी, रिपब्लिक 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम सुमेला पंचायत में हैं और 3 साल के कार्यकाल को लेके इंदिरा देवी जी हमारे सामने हैं। हम इनसे पता करते हैं कि 3 साल के कार्यकाल में इनका जो विकास कार्य रहा है समाज के हित के लिए, वो क्या रहा है, आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैडम जी, काम चाहिए, सब कार्य में बढ़िया, काम अच्छे हो रहे हैं, दो दो काम चले आए कि कबाड़ में। विकास कार्य को लेकर अगर हम बात करें जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, जनता को बताएं कि आपके नरेगे में जो काम है वो कितनी तादाद में चल रहे हैं। एक एक लाख के काम है, उसके 2-3 मस्टॉल होते हैं और ठीक चले हुए हैं। लेबर पेमेंट जो है वो JRS ने करनी है, हमने काम ही लाने और काम देने हैं। गौशाला का भी काम चला हुआ है? चले हुए गौशाला भी कहीं बड़ी है जिनको जरूरत है जी। किसी की आई भी नहीं है अभी, अगली टर्न में लाने जी, जी 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 जी। अच्छा मैडम, जैसे कि प्रधान जी एक चीज बताओ, डिजास्टर जैसे पीछे आपदा आई थी उस टाइम पे आपके यहाँ पे भी नुकसान हुआ है? हाँ जी हाँ जी। मकान वगैरह कितना है, मतलब मकान तो किसी का गिरा नहीं है जी, लेकिन आगे डंगे डूंगे गिरे हैं। अच्छा जी। और मकान को भी, जो मकान के डंगे गिरे हैं वो उस टाइम में मौके में थी जी। हमारे ऊपर नाम ने लिखा दिए इधर जी, उससे भी थोड़ा हमारा वो चला। ठीक है, मैं अपने दर्शकों से बात जरूरी कहूँगा कि इंदिरा देवी जी जो काम को लेकर इन्होंने बात कही है वो समाज के हित के लिए जो विकास हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और हो रहे हैं, और आगे के भी इनकी जो काम के प्रति जो भी फोकस रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। प्रधान जी एक चीज़ बताओ कि 3 साल के कार्यकाल में कितना करोड़ रुपया लगा चुके हैं मोटा मोटी? करोड़ा से ज़्यादा ही। अच्छा जी, चले हैं हमारे डंगे के कार्य भी चले हैं गाँव में, और नरेगा पार्क भी चले हैं, बने हैं, एक घोड़ी में बना है, विधायक ने दिए थे पैसे उसका भी बना, और नीचे हॉस्पिटल के साथ भी बना है। एक बहुत ही सराहनीय बात जो पार्क को लेके इंदिरा देवी जी प्रधान जो सुनाले से इन्होंने कहा कि पार्क बच्चों के लिए, वो बहुत ही अच्छा एक शुरुआत है। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जैसे हमने सुनाला पंचायत के अंदर हमारी टीम ने एंट्री की तो हमने कुछ व्यूज़ जो हैं लोकल स्थानीय लोगों से लिए, तो उन्होंने भी पंचायत को लेके प्रधान को लेके जो कामों की सराहना की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है कि बहुत अच्छे काम किए हैं। और हम भी चाहेंगे रिपब्लिक 24 के जरिए, अपने चैनल के जरिए हम जनता को और प्रधानों के लिए भी ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि जैसे यहाँ की जनता खुश है प्रधानों के काम को लेके, वैसे ही जो विकास कार्य हैं वो समाज के हित के लिए होने चाहिए। इसके आगे की जो भी अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। आज की डेट में जो हमारा युवा है जी, कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं नशे को लेके जो हमारे युवाओं को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और युवा भी उस दलदल में फंसते जा रहे हैं जी। तो आपकी पंचायत की तरफ से भी ऐसा कोई अभियान शुरू किया हुआ है अवेयर करने के लिए? हमें पता लगता है तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, प्रशासन हमारे साथ आता है, फिर BMO जो लेडीज हैं दूसरी हैं वो भी, नर्स वगैरह वो भी आती हैं इधर, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, आंगनबाड़ी वाली भी चर्चा करते हैं हमारे साथ, हमें की एक बैठक होती है, अगर पता लगे तो हम प्रशासन को बता देते हैं। ऐसे तो है नहीं अभी, मतलब ऐसा कोई केस हुआ नहीं आपके पंचायत में जी, ऐसा कोई हुआ नहीं। जब कोई आए तो हम फोन करते हैं, अगर ऐसे ही बच्चों को देख लेते हैं 3-4 बच्चों को, तो रात को गश्त भी लगवाई थी हमने इस साइड से उठेड़ा प्रशासन को बोल कर बुलदौड़ा में, तो भी रात रात 9, 10, 9, 11 आते रहते हैं बीच बीच में। इनके जो कार्यकाल में जो विकास कार्य थे वो उनसे हमने आप तक पहुँचाए, लेकिन इंदिरा देवी जी ने प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों को नशे के ऊपर तो उन्होंने बोला है, लेकिन एक चीज़ और अच्छी बोली है उन्होंने कि जो हमारे बुजुर्ग हैं आज की जो पीढ़ी है या बेटा बहू हैं वो अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जिस तरीके से ध्यान रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहे हैं। तो हमारे जो प्रधान हैं
उन्होंने हमें कहा है कि आप ये बात हमारी तरफ से दर्शकों के सामने रखें। जरूरी है कि वो बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि माँ बाप की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है। ईश्वर हमने किसी ने नहीं देखा है, हम महसूस करते हैं हम उस ईश्वर की संतान हैं, लेकिन जो माँ बाप है उनको ईश्वर का जो दर्जा है दिया हुआ है। तो इंदिरा जी ने हमसे स्पेशली ये बात कही कि आप चैनल के माध्यम से ये जरूर मैसेज जो है समाज तक पहुँचाएँ कि अपने बुजुर्गों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, इससे पहले कि कोई ऐसी स्थिति उन लोगों के लिए तैयार हो जाए जो बुजुर्गों को तंग करते हैं कि उनको समाज से या कहीं और चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाए। तो अपनी जो बुजुर्गों के लिए जो श्रद्धा है जो सेवा है वो कंटिन्यू रखें और अपना उद्धार करें। नमस्कार।